इस औरत की कही हुई हर बात सही साबित हो रही है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि इस बच्चे की असली मां यही है। साहब, मैं कह तो रहा हूं कि औरत हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी, इसलिए ये बच्चे के बारे में इतना सब जानती है। फिर आप ही सोचिए साहब, अगर ये मेरे बच्चे की मां नहीं होती तो क्या बच्चा इसके पास रहता? साहब, इन दोनों का षड्यंत्र है। जब से मैं शिरडी आई हूं तब से बीमार रही हूं। इसे हमने काम पे रखा, मुन्ने की देखभाल भी यही करने लगी। तब से मुन्ने को उसके पास रहने की आदत पड़ गई। हरिओम हरिओम। साठे जी, दोनों स्त्रियां एक दूसरे को नौकरानी कह रही हैं, जबकि बच्चे का पिता ये कह रहा है कि ये बच्चा उसके पत्नी का है, जो पत्नी उसके साथ रह रही है। अब जो परिस्थितियां हैं उसमें यह देखना अनिवार्य हो जाता है कि किस व्यक्ति की विश्वसनीयता अधिक है, सबसे ज्यादा है। वही तो मैं कर रहा था। मैं आपसे सहमत हूं कि दोनों स्त्रियां एक ही कहानी कह रही हैं। हाँ, लेकिन जब मैंने पूछा कि वो बच्चे के बारे में क्या जानती हैं, तो शशिधर जिसे अपनी पत्नी कह रहा है, उस स्त्री ने केवल उस दिल के बारे में बताया जो पहली नजर में सबके ध्यान में आता है, जबकि दूसरी स्त्री ने बच्चे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बच्चे को और कितनी जगह निशान है, और बच्चा किस बात से खुश होता है और किस बात से दुखी। मैं इस औरत की बात को गौर से सुन रहा था। इसकी बातों में ममता उमड़ रही थी, जिसे मैंने खुद महसूस किया। अच्छा किया आप इन्हें यहां ले आए, साठे जी ने तो भाषा ही पलट कर दिया। साहब, अगर अनुमति हो तो क्या मैं इसे एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो। अगर तुम बार बार मेरे बच्चे पर अपना दावा कर रही हो तो क्या बता सकती हो ये बच्चा कहां पैदा हुआ है? हम पहले जिस गांव में रहते थे वहां बीड़ में। न्याय की उम्मीद लेके मैं इस चाबड़ी में आया था, और जहां तक मुझे जानकारी है कानून सबूतों पे चलता है, साक्ष्यों को मान्यता दी जाती है। मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जो आधिकारिक हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन्हें देखने के बाद आपको भी विश्वास हो जाएगा कि ये औरत झूठ बोल रही है। देखिए साहब, गौर से देखिए, वो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है और उसमें दर्ज है कि बच्चे का जन्म बीड़ में नहीं पूना में हुआ है।
अक्सर लोगों के पास सरकारी कागज नहीं होते। मैंने पुणे में एक अंग्रेज से घर खरीदा था और अंग्रेजी कायदों के अनुसार मैंने ये कागज बनवाए थे। साहब आप ध्यान से देखिए, इन कागजों पर साफ साफ लिखा है कि मेरी पत्नी का नाम जानवी शशिधर पुरोहित है और इस बच्चे की मां का नाम भी वही है। हाँ, इन दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि बच्चा पूना में पैदा हुआ। और ये लोग वही रहते थे। और बच्चे की मां का नाम जानवी शशिधर पुरोहित है। साहेब, पर जानवी शशिधर पुरोहित तो मैं हूं। और बच्चे का जन्म पुणे में नहीं हुआ था। ये औरत झूठ बोल रही है। मेरी पत्नी ये है जानवी। और इसका नाम कालिंदी है और इसके सबूत हैं मेरे पास। इसका कुछ सामान हमारे घर में पड़ा था और जब मैं उसे फेंकने जा रहा था तो कुछ कागज मिले जिनसे पता चलता है कि ये अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। ये रहे वो कागज। शादी के बाद आपने मेरा नाम बदल के जानवी इसीलिए रखा था। मतलब आपने पहले से सब सोच के रखा था कि अगर ऐसी नौबत आएगी तो मुझे गलत साबित करने में आपको आसानी होगी। इसलिए ने मेरा नाम बदलने का नाटक किया था और मुझे लगा ये तो आम बात है क्योंकि हमारे यहां शादी के बाद औरतों के नाम बदले जाते हैं। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? साहब, मैंने सारे सबूत दे दिए हैं आपको इसके गुनहगार होने के। और जब इस औरत के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है तो ये नई नई कहानी बना रही है। मेरी आपसे गुजारिश है, विश्वसनीयता के लिए मैंने जो आपके सामने कागजात पेश किए हैं उनके आधार पर सही निर्णय सुनाएं। ये कागज जाली है क्योंकि हमारा गांव बहुत छोटा है। और जहां मैं थी वो छोटा सा अनाथ आश्रम है। कोई कागज नहीं होते। चुप बैठो। हरिओम हरिओम। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात और साक्ष्यों को जानने के उपरांत मैं तो निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूं। और मुझे नहीं लगता कि यहां उपस्थित किसी शिरडीवासी के मन में भी कोई संदेह होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा।
हरि ओम। क्यों हरिओम हरिओम। अब साखी जी आप बताइए आप क्या करेंगे? साक्ष्यों के साथ जाएंगे या भावनाओं के साथ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकार। सभी सबूत कालिंदी के खिलाफ हैं। और दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। मेरा फैसला भी यही है कि यह बच्चा इन दोनों का है। नरियो अंततः आप भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचे जिस पर मैं बहुत पहले पहुंच चुका था। साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं, मुझसे न्याय करने में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई ना? मैंने तो नियमों के अंदर रहकर ही अपने कर्तव्यों का पालन किया है। कानून कहता है कि निर्णय साक्ष्यों के आधार पर ही होना चाहिए। साठे जी, आपने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। अच्छा साईं, मैं चलता हूं। सुना है कालिंदी तेरे शरण में आई थी, तो वो तेरी भक्त हुई है कि नहीं? इसे कहते हैं ईश्वर का न्याय। आज तेरे एक भक्त ने तेरे दूसरे भक्त को छोटा मान लिया और तो कुछ नहीं कर पाया। अरे ओ, अब सबको आभास होने लगा है कि तेरे शरण में आकर उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। देख लेना फकीर, ये जो सारे तेरे अंध भक्त है ना, उनकी आंखें खुलेंगी और तुझे छोड़कर सब चले जाएंगे। हरिओ। हो सकता है बच्चे को इसकी जरूरत पड़े। इतने छोटे बच्चे बोल तो नहीं सकते, लेकिन जब ये अपने प्रियजनों से अलग होते हैं तो इन्हें पीड़ा होती है। का मतलब है कि आप भी झूठी कालिंदी पर विश्वास कर रहे हैं? मेरी पत्नी जान भी पर रही।
झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और सच की आंच बहुत तेज। ख्याल रखना, कहीं सच्चाई की आग में अपने हाथ ना जला बैठो। हमें ऐसे लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए जो हम पर विश्वास नहीं करते, और हमारे बच्चे के पास वो सब कुछ है जिसकी इसको जरूरत है। चलो। चिंता मत करो जानवी, श्रद्धा और सबूरी रखो, मालिक तुम्हें जरूर न्याय देगा। ए पाखंडी, झूठा आश्वासन मत दे इसे, इसे न्याय मिल चुका है। इसे तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने उसे कारावास नहीं भेजा। हरिओम। आपकी अदालत से बड़ी एक और अदालत है सरकार, ईश्वर की अदालत, और वहां से फैसला आना अभी बाकी है। Sai Om, Sai Om, Sai Om, Sai Om.